Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. ये प्लस साइन जो है प्रोजेक्ट बनाएं, प्रोजेक्ट का नाम दें SEO जो भी प्रोजेक्ट, और यहाँ पर आपने सीड कीवर्ड में अपना कीवर्ड लिखना है लाइक बेड बग, तो बेड बग लिख के इसको मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। आप यहाँ पर 10 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, जो भी आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड अच्छे लगे SEM रश से, आप यहाँ पर ऐड करते जाएं और यहाँ फिर जनरेट कीवर्ड कर दें। तो ये कुछ टाइम लगाएगा और आपको कीवर्ड्स बताएगा जो के इस कीवर्ड के रिलेटेड हैं, बेड बग्स के रिलेटेड। जी बेशम, आपको क्लाइंट हो सकता है कीवर्ड दे, क्लाइंट आपको अगर एक कीवर्ड देता है कि मुझे इसके कीवर्ड्स चाहिए, तो आप लॉन्ग टेल प्रो में आके सीड कीवर्ड वाली जगह पे अपना कीवर्ड डाल दें, ठीक है। सीड कीवर्ड वाली जगह में कीवर्ड डालेंगे तो उसके रिलेटेड 800 कीवर्ड्स लेके आएगा लॉन्ग टेल प्रो, कितने 800 कीवर्ड्स। तो 800 कीवर्ड्स को ये लेके आएगा और उनके उसके एनालिसिस करके आपको बताएगा कि वो रैंक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर क्लाइंट आपको साइट का लिंक देता है कि ये मेरा कंपेटिटर है और इसका मुझे बताएं कौन से कीवर्ड यूज कर रहा है, तो आप वो वाला जो URL देगा क्लाइंट, वो SEM रश में डालोगे तो SEM रश आपको उसके कीवर्ड्स दिखा देगा, सही है। और उनमें से आप जो है पहले 10 कीवर्ड्स जो है वो आके लॉन्ग टेल प्रो में दे दोगे और उससे फिर आप कीवर्ड्स निकाल लोगे और उस क्लाइंट को दे दोगे, भाई तुम्हारा जो आपका जो कंपेटिटर है वो ये यूज कर रहे हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर जस्ट मैंने वो वाला कीवर्ड दिया बेड बग्स, और आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल गए हैं हमको। अभी अराउंड 300 कीवर्ड्स इसने निकाले हैं और अभी ये काम कर रहा है। थोड़ा सा टूल स्लो है क्योंकि इसने काफ़ी सारा डाटा फेच करना होता है गूगल से, और 500 हो गए हैं अभी, आप देख रहे हैं नंबर इंक्रीज होता जाएगा। और ये उनका सर्च वॉल्यूम आ रहा है, और ये आगे जो है उनका CPC आ रहा है कि पर क्लिक आपको वो कितने पैसे देगा ये कीवर्ड। ये अभी 700 हो चुके हैं कीवर्ड, 800 पे जाके इट शुड स्टॉप। तो वहाँ से हम लोग फिर इसके कंपटीशन एनालिसिस कंपेटिटर चेक करेंगे कि इसका कंपटीशन कितना है। जी एग्जैक्टली, कीवर्ड का कंपटीशन, ठीक है। इस तरह से क्या हो सकता है कि आपका अगर एक क्लाइंट है वो कहता है कि मतलब उसका कोई फैशन का कीवर्ड है, वो आपको एक कीवर्ड देगा जस्ट, वो कीवर्ड आके आप यहाँ इसमें दोगे लॉन्ग टेल प्रो में और फाइंड कीवर्ड्स करोगे तो उसके रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अभी इसको इस टर्म के रिलेटेड 700 मिले हैं, सही है। अब यहाँ पर आ रहा है कीवर्ड कंपटीशन, ठीक है, एवरेज कीवर्ड कंपटीशन। तो ये कीवर्ड की कंपेटिटिवनेस बताता है कि ये कीवर्ड कितना मुश्किल है रैंक करना। तो आपको 35 जो है, 35 से नीचे नीचे वाले कीवर्ड इजीली रैंक हो सकते हैं। यहाँ पे स्कोर मेंशन होगा जब मैं कैलकुलेट करूँगा। 35 से जो ऊपर वाले हैं वो टफ हो जाते हैं, उनको करना थोड़ा मुश्किल है, और अगर उससे ऊपर हैं तो उससे भी मुश्किल होगा। अब अगर आपने इन 700 कीवर्ड्स का कंपटीशन देखना है, KC मीन्स कीवर्ड कंपटीशन, तो ये बोल रहा है इट विल टेक अराउंड 1 hour 56 minutes टू फेच एवरेज KC फॉर दीज कीवर्ड्स, नैरोइंग योर फिल्टर्स विल रिड्यूस द प्रोसेसिंग टाइम। लेकिन हमें जाहिर है कोई फिल्टर नहीं लगा सकते, फिल्टर से ये हो सकता है कि हम कहें कि हमें ये 2 word वाले नहीं चाहिए, हमें 3 word वाले चाहिए, ठीक है। जाहिर है 2 word वाले का कंपटीशन ज़्यादा होगा, जितना कीवर्ड थोड़ा लंबा होता जाएगा कंपटीशन कम होता जाएगा। तो मैं फेच करता हूँ यहाँ पर और देखते हैं हमें क्या मिलता है। मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली, विकीपीडिया, विकी हाउ, फेसबुक, टम्बलर, यूट्यूब,
अगर ये लोग रैंक हैं तो आप उसको इजीली आउट रैंक कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। याहू आंसर है, कोई और साइट है, तो उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो एक कीवर्ड एक पोस्ट पे रैंक कर रहा है, एक कीवर्ड एक पोस्ट पे रैंक कर रहा है। जब आप उस तरह का एक पूरा वेबसाइट ही बना दोगे उस कीवर्ड पे, तो आपकी अथॉरिटी ज्यादा हो जाएगी। बेशम कंपटीशन कीवर्ड्स की हम लोग बात करें, कंपेटिटर एनालिसिस ऑफ पेज एसईओ में आएगा। अभी हम लोग कीवर्ड के कंपेटिटर की बात कर रहे हैं, जो आपके बैकलिंक कंपेटिटर और ये वो चीजें वो बाद में। हाउ मेनी कीवर्ड यू शुड टारगेट इन वन आर्टिकल ऑफ 500 वर्ड्स मदिया, वन कीवर्ड आप उसको टारगेट करें 500 वर्ड्स में, वन मेन कीवर्ड, मनी कीवर्ड और बाकी के रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं थोड़े से आपको जो LSI कीवर्ड्स होते हैं वो आप टारगेट करेंगे इसमें। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं कुछ 38 है, जाहिर है इनका ज्यादा होगा। LSI बेसिकली रिलेटेड होते हैं, मोस्ट रिलेटेड, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स, ये गूगल का ही है और आप इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हो, गूगल में ही मिल जाएगा आपको। तो ये रिलेटेड कीवर्ड्स हैं गूगल की नज़र में, तो अगर आप रिलेटेड कीवर्ड अपने आर्टिकल में डालेंगे तो इजीली रैंक भी करेगा उसको। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 34 और 35 वाले भी मिल रहे हैं। ठीक है, अब 34 वाला क्या है, हाउ डू यू गेट बैड बग्स। ठीक है, हाउ डू यू गेट बैड बग्स, और इसका कंपटीशन है 34 और 27,100 बंदा इसको सर्च करता है, तो इट्स अ गुड कीवर्ड टू टारगेट। ठीक है, और इसको आप लोग जो है वो 3 मंथ के टाइम या 3 मंथ से पहले इसको रैंक कर सकते हो, और साइट एक प्रॉफिटेबल साइट बन सकती है इसकी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो और इसको आप इसके रिलेटेड पोस्टिंग वगैरह डालते हो। तो अब ये है जी, हाउ डू यू गेट बैड बग्स, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो फर्दर डाटा मिलेगा। तो हाउ डू यू गेट बैड बग्स, अगर मैं वैसे ही इसको लिख लेता हूँ यार, वहां पर मुझको स्क्रीन शेयर करना होगा दूसरी अपनी गूगल क्रोम की। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है, तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।